चाल सुलेखा कहा को उल्लू बनेबा। सुलेखा कहिला कौन सुकन्या तोर मस्ती भावना चल घर को जीवा। सुकन्या कहिला अरे चाल ना कहा को प्रथमे बोका बनेबा। सुलेखा कहिला ना ना अलट काम तू करू आउ मु गाली सुनिबि आउ सुन काली से पड़ोसिणी आंटी को सह कौन कलु। सुकन्या कहिला काहिकी से कौन किछि कहुथिले। सुलेखा कहिला हाँ मते कहुथिले आज तते मजा चखेबी कह तांको सह कौन करिछु। सुकन्या कहिला अरे किछि नुह से मते बहुत खड़ुस लागंती तेणु तांको सह लागिली आउ से जेते बेले कहिले कि मो कथा माँ को कहिदेबे तेबे मु भी देखिनेबी मो ना सुलेखा एहा कहिदेली। एतिकी शुणी सुलेखा सुकन्या को बाड़ेबा पई दौड़ेला। सुलेखा और सुकन्या जाला भौणी थिले देखिबा को एकापरी सेमानों को चिन्हिबा मुस्किल बहुत थर तांको बापा माँ भी सेमानों को चिन्ह पारंती नाई आउ एहारो फायदा सुकन्या उठेई थाए से जदि किछि भी करे सुलेखा को गाली सुनिबा को पड़े। से दिन मध्य डेरी रे फेरिबारु सुकन्या को गाली सुनिबा को पड़िला। पुणी संध्यारे सुलेखा तते शांति मिलिला। सुकन्या कहिला अरे काहीं की एते रागुछु गोटिए वर्ष पर आमर बाहागर होई जीवो पुणी तू केउठी आउ मु केउठी। सुकन्या धीरे धीरे आहुरी कामचोर हेला आउ सुलेखा आहुरी संस्कारी किंतु भाग्य दुई जन को अलगा हेबा को देला नाही। दुई भौणी को बाहागर गोटिए घरे होइगला। बड़ भाईर बाहागर सुकन्या सह आउ सानर सुलेखा सह। सुलेखा को घरर सब काम आसी थाए खास करी से भलरे रोसेई करी थाए किंतु सुकन्या किछि भी सिखि नथिला। पुणी गोटिए दिन आरे पसिकी कौन टीवी देखुच प्रथमे जाई कपड़ा तो सफा कर। सुकन्या कहिला माँ आपण जाई सुलेखा को कहतु ना सका मु तो सब काम करुची बासन माजिली पुणी रोसेई भी कली। अच्छा अच्छा सॉरी बहु मते लागिला सब काम सुलेखा करिछि। सुकन्या कहिला ना ना माँ सब काम मु ही करिछि। रुह एबे तार खबर नेउछि। सारोला रागरे सुलेखा पाखकु गला से झाड़ू करुथिला। दिन सारा टीवी नहले आराम करुछु एही समय रे कोन झाड़ू करंती। सुलेखा कहिला किंतु माँ सारोला कहिला चुप हो जा तो भौणी को देख सब काम करुछि। सारोलार कथा सुनी सुलेखा बुझी गला सुकन्या तार सासु को बकी बनेई देला। से तार सासु को किछि कहिलानी एवं चुपचाप काम कला। बिचारी सुलेखा सकाळरु संध्या पर्यंत काम करे किंतु तथापि ताकु ता सासुर गाली सुनिबा को पड़े। पुणी गोटिए दिन सारोला आरे बहु चल आज सांग होई रोसई करिबा। सुकन्या कहिला ठीक अछि मा आपण चालंतु मु आसुची। सारोला रोसई घर आड़ को गला आउ सुकन्या सीधा सुलेखार रूम को एवं कहिला आरे सुलेखा जा तोते रोसई करिबा पाई मा डाकुछंती। सुलेखा कहिला ठीक अछि मु जाउची। सुकन्या पुणी थरे सुलेखा को उल्लू बनेई देला। आउ बिचारी सुलेखा जानि नथिला सारोला सुकन्या को डकेई थिला। अन्य पटे रोसई घरे सारोला आसिकलु केउठी रही जाइथिलु चल गोटिए काम कर तुमे अटा दळी दियो मु परिबा काटुछि। सुलेखा कहिला ठीक अछि मा। सुलेखा बहुत शीघ्र एवं बहुत सुंदर भाबे अटा दळी देला जहा देखि सारोला खुशी होई गला। पुणी सारोला आरे बाह बहुत सुंदर अटा दळी देलो आरे तुमे सुलेखा को किछि सिखाउनो कोन पाई। सुलेखा बुझीगला कि ताहार सासु ताकु सुकन्या भाबुछि आउ से एहा भी बुझीगला कि कामचोर सुकन्या कामरु बंचिबा पई ताकु ही पठेई देला। एही परी समय बीति चलिला। सारोलार नजर रे सुकन्या सबु काम करुथिला। पुणी गोटिए दिन सारोला आरे बहु सुकन्या से दिन जेउ बादाम हालुआ बनेई थिलो आज मो पई ताहा बनेई दियो ना। सुकन्या कहिला एथिरे कौन बड़ कथा अच्छी माँ आपण टीवी देखंतु मु बनेकी आणुची। सारोला कहिला ना ना मते खाइबार अच्छी आउ किपरि रोसेई हुए ताहा भी देखिबी। सुकन्या कहिला आरे माँ आपण बसंतु ना। सारोला कहिला आरे चालो ना बहु साथीरे बनेइबा। सारोला जिद्रे अटकिला आउ सुकन्यार अवस्था खराब हेउथिला कारण आज पर्यंत से किछि भी रोसेई करिनी किंतु सुकन्या एत शीघ्र हार मानिला नाही एवं गोटिए आईडिया भाविला एवं कहिला माँ मु प्रस्तुति करुछी आपण बादम नहीं आसंतु। सारोला कहिला
आरे मोते मो रूम को जीबा पाई पड़ीब तुम्हें चलो मु आसुची जेपरी सारवाला निज रूम को गला रोसेई घर को सुलेखा आसी गला से बिल्कुल सुकन्या परी साड़ी पिंधी थिला सुलेखा चाहू नथिला कि तार भौणी को गाली पड़ू तेणु से सुकन्या होई रोसेई को गला हालुआ बहुत सुंदर होइथिला सारवाला सुकन्या उपरे बहुत खुशी थिला कारण से सुलेखा को सुकन्या भावुथिला पुणी आग दिन सुकन्या जेपरी रोसेई घर आड़ को गला तेबे तार शाशु सारवाला ता हाथ धरी नेला सुकन्या कहिला एहा कौन करुछंती मा सारवाला कहिला आज तते छाड़बिनी तू सब बेले मते मिछ कहिलु तते किछि आसे नाही आउ तू सबुबेले तो भौणीर परिश्रम को निजर कहि आराम करुछु आउ से बिचारी रोसेई एवं बाकी कामरे लागि रहुछि आउ मो गाली भी सुनुछि सारोला ताको खूब गाली करुथिला तेबे पुणी सुकन्या कहिला नाई मा मु मिछ कहुनी मु सबु काम करे काली रोसेई घरे आपण को सह हालुआ मु बनेइथिली ना आपण तो सेठारे थिले सारोला कहिला सेठारे थिली एथि पई जानि पारिली तो हालुआ बनेइथिलु जति काली जेउ कढ़ेईरे तो हाथ पड़ी जाइथिला देखाइलु वर्तमान सुकन्या चुपचाप छिड़ा होइथिला कारण तार चोरी धरा पड़ी जाइथिला पुणी सारोला अन्य रूम को गला एवं सुलेखार मुंडरे हाथ रखी कहिला मते क्षमा करी दियो बहु किंतु तुम्हें भी मते कथा दियो कि एई घा ठीक हेबा परे भी तुम्हें आहुरी कष्ट सहिबो नाही पद्मिनीर पांच जन बहु थिले सेथि मध्यरु तीनि जन धनी घरर थिले आउ दुई जन गरीब घरर थिले तेणु गरीब बहुंकु प्रतिदिन विभिन्न कथा शुणिबाकु पड़िथाए जेतेबेले दुई गरीब बहु रसोई घरे काम करुथांती पद्मिनी कहे पिंकी बहु आरे ओ पिंकी बहु कुआडे गलु पुणी पिंकी चा नेइकि आसिला तेबि पद्मिनी कहिला तू चा तैयारी करुथिलु ना नास्ता एते समय कौन लागुची पिंकी कहिला मा घरर समस्त काम पड़ीछि ना सेथि पई पद्मिनी कहिला आरे मु एकुटिया सबु काम करिथाए आउ तुमे दुई जण एते डेरी करुछ आउ मो तीनि बहुराणी को पई चा किए नेइकि आसिबो पिंकी कहिला मा से तीनि जण निजर काम करि पारिबे पद्मिनी कहिला सुन चुपचाप जाई चा नेइकि आसे पुणी सासुर कथा शुणी पिंकी रोसेई घर को आसिला आउ कहिला जमुना दीदी जणा नाही आम सासु आम सह एपरी व्यवहार काहीकी करिथांती एपरी लागे आमे ए घरर बहु नुहे चाकराणी जमुना कहे पिंकी तू जेते जहा कहिले भी एठारे आम गरीबंक कथा केही शुणिबेनी जेपटे दुई गरीब बहुंक अवस्था चाकराणी टारो भी कम नथिला सेपटे तीनि धनी बहु सान हेबा परे भी हुकुम चलांती शीत दिनर आरंभ होइगला तेबे धनी बहु कहंती मा शीत दिन आसी जाइछि तेणु मो डाडी को कही मु आम चारिजणक पाई स्वेटर मगेइछि मा एई देखंतु मो काली बहुत सारा शॉपिंग करिछि पद्मिनी कहे बहु मु तुम तीनि जणक पाई स्वेटर तयारी करिछि तेबे सेठाकु पद्मिनीर अन्य दुई गरीब बहु आसी कहिले मा आमो पाई स्वेटर तैयारी करि देइथिले कोन होइ जाई थांता समाचार रे कहुछि एथर बहु शीत हेबो आमे ई पतला कंबल रे केमिति रहिबो पद्मिनी कहे आरे मो गरीब बहु माने ए पद्मिनी रो कोन टंका गछ लागिछि पुणी पद्मिनी चली जिबा परे तार धनी बहु माने कहिले तुमे जेते भी जहा कह आमो जगा रे निज को केबे पाइबनी एही परी किछि दिन बितिगला पुणी देखु देखु शीतर प्रकोप बढ़िला गोटे पटे धनी बहु माने आराम रे कंबल घड़ाई सोई थांती किंतु बिचारी गरीब बहु को पतला साल रे निज को घड़ाई सोईबा को पड़ुथिला गोटे दिन सकाळे जमुना कौन है ची पिंकी राती रे ठीक से सोइनु कि पिंकी कहे दीदी शीत बढ़ी जाइछि तेणु ए साल रे ढांकी होई सोई हेउनी जमुना कहे पिंकी सासुमा आम विषय रे टिकिए भी चिंता करूनाहांती चल आमर काम करिबा जेते बेले जमुना बासन माजीबा पई नळ खलीला तेबे पानी बहुत तंडा थिला तेणु से पानी गरम करिबा पई मेसिन खजी आसिला तेबे तारो सासु कहिला
ଆଚ୍ଛା, ତତେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଦରକାର, ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କ'ଣ ତ ବାପା ଦେବ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଗରିବ ବୋହୂଙ୍କୁ ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ତଡ଼ିଦେଲା। ବିଚାରି ଗରିବ ବୋହୂ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଶୀତରେ ନିଜର କାମ କଲା। ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ପଦ୍ମିନୀର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପିଙ୍କି କହିଲା, ଦିଦି, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଜୋରରେ ତାତିରେ କମ୍ପୁଛି। ଯମୁନା କହିଲା, ପିଙ୍କି, ତୁ ଅଦା ତୁଳସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏତିକିରେ ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଯମୁନା ତା ଶାଶୁକୁ ଥଣ୍ଡା ପଟି ମଥାରେ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଙ୍କି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ଶାଶୁକୁ ପିଆଇଲେ। ଏହିପରି ସେ ଦୁଇଜଣ ତାଙ୍କ ଶାଶୁର ସେବା କଲେ। ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ ତିନି ଧନୀ ବୋହୂ ଆସିଲେ। ମା, ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ହୁଏ ଜ୍ୱର ଆଣିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏଠାରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ବି ଜ୍ୱର ଡେଇଁପାରେ, ଚାଲ ଏଠାରୁ। ମା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏତିକି କହି ତିନି ଧନୀ ବୋହୂ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାହାନାକୁ ପଦ୍ମିନୀ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁମେ ତିନି ଜଣ ମୋ ସେବା କରିବ। ପିଙ୍କି, ଯମୁନା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଗରିବୀର ମଜାକ ଉଡ଼େଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯମୁନା କହିଲା, ମା, ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଧନୀ ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗରିବୀ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଲୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି। ଯମୁନା କହିଲା, ତୁମ ତିନି ଜଣକୁ ତୁମ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ହୋଇଗଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଖରା ହେଉ କି ଶୀତ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଥିଲେ।